मुदमंगलमय समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों सुबह के सत्संग में मैंने ये कहा था कि दुखों से बचकर सुखपूर्वक जीवन कैसे चीजें दुनिया में दुख किसी को पसंद नहीं है किसी को भी और सुख सबको पसंद है लेकिन सुख से कैसे जिए प्रसन्नता से कैसे जिए मगन होकर आनंद से कैसे जिए इसकी कला बहुत थोड़े लोग जानते हैं सदगुरु कबीर का एक पद है उस पद पर, पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कुछ लेना न देना मगन रहना पांच तत्व का बना पिंजड़ा तामे बोले मेरी मैना गहरी नदिया पुरानी केबटिया से मिले रहना तेरा पिया तेरे मन में बसा है खोल कर देखो नैना कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरुचरणों में लिपट रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना सुबह मैंने कहा था ये मगन रहना हर समय प्रसन्न रहना आनंदित रहना सुख से जीना यही स्वर्ग है इसके अलावा स्वर्ग और कहीं नहीं है कबीर साहब ने एक पंक्ति ये भी कही है हो या बिहिस्त जो चित्त न डोलावे यदि आदमी अपने चित्त को मन को चंचल न करे तो तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन आप सबका अनुभव है कि मन बहुत चंचल है अनेक लोग कहते हैं साहब, ध्यान में बैठते हैं भजन करने बैठते हैं लेकिन मन यह ऐसा बदमाश है कि कब भाग जाता है पता नहीं चलता ये तो रुकता ही नहीं है थोड़ा भी ठहरता ही नहीं है बंदर चंचल होता है लेकिन मन की चंचलता सामने बंदर चंचलता कुछ भी नहीं है हर आदमी का मन बंदर बना हुआ है काम धाम करने के लिए व्यवहार करने के लिए मन से सोचना पड़ता है मन से काम लेना पड़ता है लेकिन ये मन का चंचल होना बेकार बेकार बातें सोचते रहना ये मन का चंचल होना क्या है जिस समय जिसकी आवश्यकता ना हो उस समय वह बात सोचना ये मन की चंचलता है सोचना तो पड़ेगा हम मनुष्य हैं मनुष्यों का काम मनुष्यों का व्यवहार बिना सोचे चलने वाला नहीं है जानवरों को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती बिना सोचे उनका काम चल जाता है लेकिन आदमी का काम बिना सोचे नहीं चलता है इसलिए सोचें लेकिन गलत ना सोचें जितना गलत सोचोगे उतना जीवन नरक बनेगा आजकल लोग कहते साहब मन में इतना टेंशन है कि टेंशन के मारे रात में नींद नहीं आती है ये टेंशन क्यों हुआ खाने को नहीं मिल रहे क्या कि पहनने कपड़े नहीं मिलते हैं रहने जगह नहीं मिलती है ये टेंशन गलत सोचने का परिणाम है कहीं ना कहीं आपने गलत सोच रहा सोचा है या अभी सोच रहे हैं जो सही सोचेगा उचित बात सोचेगा उसके मन में कोई टेंशन नहीं होगा हर समय मन में टेंशन का बने रहना यही तो नरक है और नरक कहां मिलेगा आपको सोचना है ना तो अच्छी बात क्यों ना सोचे गलत सोच सोच कर जिंदगी को नरक क्यों बना रहे हैं अपने मन के सुख को नष्ट क्यों कर रहे हैं जितना गलत सोचोगे मन चंचल होगा और मन के चंचलता के समान कोई दुख नहीं है जीवन में गलत सोचोगे तो टेंशन तो होगा ही चिंता होगी भय होगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा सोचना है अच्छी बातें सोचो जितना अच्छा सोचोगे विवेक विचार की बात सोचोगे ज्ञान भक्ति की बात सोचोगे उतना मन शांत रहेगा मन का सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा जिंदगी को आराम से जियोगे और रात में आराम की नींद सोओगे मन में कोई चंचलता ना होना मन का शांत एकाग्र हो जाना यही तो स्वर्ग है मन की चंचलता नरक और मन को तेजना मन मन की चंचलता जो नरक है और मन की एकाग्रता मन की शांति स्वर्ग है और याद रखना जब तक आपका मन चंचल है कभी आप सुख का शांति का अनुभव नहीं कर सकते खाने में पीने में देखने सुनने में आपको जो सुख लगता है वो सुख उसका नहीं है मन की एकाग्रता का है मन की स्थिरता का है मन की स्वच्छता का है मन आपको चंचल है कितना भी कुछ मिल जाए आप सुखी नहीं हो सकते एक उदाहरण से समझ सकते हैं कोई आदमी ये कहता है कि मुझे मिठाई खाने में बहुत आनंद आता बहुत आनंद आया गरम गरम जलेबी मिल जाए या बढ़िया लड्डू मिल जाए तो क्या पूछना आनंद वो कहता है कि यदि बढ़िया सुंदर मिठाई मिल जाए तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ इतना आनंद आता है मुझको उसके मित्र ने कहा अच्छा चलो अब तुम्हें मैं खूब मिठाई खिलाऊ जितना खा सकते उतना मिठाई खिलाऊंगा ले गया एक दुकान मिठाई दुकान में अब बढ़िया से बढ़िया मिठाई जो जो मिठाई उसको पसंद थी वो खरीदा और दिया खाओ जितना खा सकते हो तो वो आदमी खुश हो गया कि आप पूछना क्या अब तो बड़ा आनंद आएगा बहुत सुख मिलेगा अब तो मजा आ जाएगा पेट भर खाने की मिठाई मिलेगी देखता है मिठाई खुश होता है सोचता तो है कि आज बहुत मजा आएगा मिठाई उठाया उठा करके मुंह के पास ले गया था बस मिठाई का एक टुकड़ा आधा मुंह में चला गया आधा बाहर है इतने में किसी ने आकर कह दिया तेरा बेटा कुआं में गिर गया है मिठाई खाने मजा आएगा कि नहीं आएगा गया गायब क्योंकि मन चंचल हो गया व्याकुल भयभीत तो हो गया मन जब भयभीत व्याकुल है तो दुनिया के किसी भी भोग में किसी भी वस्तु में आपको आनंद नहीं आ पाएगा और मन यदि एकाग्र है संयत है शांत है तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है अपने आप भीतर से आनंद आएगा यह बात लोगों की समझ में जल्दी नहीं आती है इसीलिए हर आदमी भटक रहा हर आदमी भटक रहा है अच्छा यह सोचें जो कुछ आप कर रहे हैं सुख पाने के लिए कर रहे हैं कितना सुख बटोरा है अब तक आपने कोई इकट्ठा किया है दो चार दस बीस पचास किलो सुख यह सुख कुछ नहीं है मन में दुख का ना होना सुख है दुख नहीं तो सुख है और दुख है तब फिर कोई सुख नहीं मिलेगा इसलिए सुबह मैंने कहा था कि और कुछ अच्छा बना पाओ या ना बना पाओ अपने मन को अच्छा बना करके रखो मन के विचारों को अच्छा बना करके रखो हर समय आनंद 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 आएगा यहां साहब आप कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना मगन रहना चाहते हो ना तो बाहर दौड़ने के भटकने की आवश्यकता नहीं है जितना दौड़ोगे भटकोगे तुम्हारे मन का आनंद खत्म हो जाएगा करना क्या है तो आपको दो बातें करना किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत सदे मगन रहोगे तो आप कहोगे साहब बिना लिए दिए तो व्यवहार नहीं चलेगा आदमियों का सारा व्यवहार लेन देन का व्यवहार है कुछ चीजें आप खेत में पैदा करते हो धान पैदा करते हो गेहूं पैदा करते हो चना सरसों आदि पैदा करते हो लेकिन कपड़ा बाहर से खरीदते हो और तमाम चीज आप बाहर से खरीदते हो सब चीज आप कहाँ पैदा कर पाते हो खेत में जो खाद डालते हो आप खाद कहाँ बना पाते हो दवाई डालते हो दवाई कहाँ बना पाते हो लोहो का उपयोग करते हो लोहा कहाँ बना पाते हो आप बाहर से खरीदते हैं खरीदना भी क्या लेना ही तो है आप अन्न देते हैं बेच, बेच करके देते हैं और लोगों से सामान खरीदते हैं तो बिना लिए दिए तो व्यवहार चलेगा ही नहीं सारा व्यवहार लेन देन का है हाँ लेन देन का एक और अर्थ होता है वो अलग अर्थ है कोई आपका मित्र है बड़ी मित्रता उस उसके साथ आपकी है लेकिन धीरे धीरे किसी कारण से मित्रता में दरार पड़ती गई इसी बात को लेकर के मित्रता में दरार पड़ती गई और धीरे धीरे मित्रता टूट गई उससे बातचीत बंद हो गई व्यवहार खत्म हो गया अब किसी ने उससे पूछा अरे भाई आप अकेले घूम रहे हो आपको मित्र कहां गया जिनके पास आप बरतें आपको तो भैया देखो भैया अब उनसे हमारा कोई लेना देना देना नहीं है मतलब उससे हमारा कोई व्यवहार नहीं है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है एक लेना देना यह होता है लेकिन दूसरा लेना देना देना तो व्यवहार के लिए होता है यहां से आप कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना मत और को देना मत तो क्या ले, -ले, -ले कहते हैं साहब, और क्या देने को नहीं कहते हैं दुनिया में हर आदमी में कुछ कमियां होती है कुछ बुराइयां होती है और हर आदमी में कुछ अच्छाइयां होती है कुछ सदगुण होते हैं साहब कहते हैं देखो तुम जिस घर में रहते हो परिवार में रहते हो और तुम्हारे रिश्तेदार हैं नातेदार हैं तुम्हारे पड़ोसी हैं या अन्य और लोग हैं उनकी बुराई को मत लेना उनकी बुराइयों को मत देखना किसी की बुराई को किसी की गलती को बार बार देखते रहोगे याद करते रहोगे तो उसके लिए आपका मन कटु बन जा बन जाएगा और धीरे धीरे वो बुराई आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा कोई बराबर गलत काम कर रहा है तो उसे समझा दो नौकर है बेटा है बहु है भाई है कोई दूसरा है और कोई भी हो यदि वो बराबर गलत काम कर रहा है तो समझाना पड़ेगा समय से डांटना भी पड़ेगा समय से प्यार भी करना पड़ेगा ये सब तो करना पड़ेगा व्यवहार में लेकिन सोचते रहोगे उन्होंने ऐसी बात कही उन्होंने ऐसा गलत काम किया उन्होंने ऐसा काम बिगाड़ा उसमें ये ये गलती है उसमें ये गलती उसमें ये गलती है सोते जाओ सोते जाओ सोते जाओ जीवन नरक बन जाएगा भीतर ऐसा लगेगा कि एकदम जहर का कारखाना शुरू हो गया है किसी की बुराई को जितना देखोगे उतना उसके लिए मन में क्रोध आएगा मन क्रूर बनेगा कठोर बनेगा और मन जब क्रूर कठोर बनेगा तब आपकी वाणी कठोर निकलेगी और फिर व्यवहार कठोर होगा घर में ही महाभारत शुरू हो जाएगा इसके विपरीत किसी की अच्छाई की बात सोचो हर आदमी में अच्छाई है जैसे आप में अच्छाई है ऐसे हर आदमी में अच्छाई है किसी के अच्छाई की बात सोचो उसमें जो सदगुण साचार है उसकी बात सोचो उन्होंने कुछ अच्छी बात कही है अच्छा काम किया है इसकी बात सोचो जितना सोचोगे जितना सोचोगे अच्छाई को उतना उतना उस व्यक्ति के लिए आपका मन कोमल होता जाएगा उसके लिए प्रेम होता जाएगा भक्ति होती जाएगी श्रद्धा होती चली जाएगी और फिर उसके साथ आपका व्यवहार इतना सुंदर हो जाएगा कि क्या कहना घर स्वर्ग बन जाएगा बहुत सरल तरीका है ये आप ये चाहते हैं कि मेरा घर स्वर्ग बने और आनंद की धारा बहती रहे तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो एक काम करो सुबह उठें और उठ के अपने बिस्तर पर बैठ जाओ दो चार मिनट के लिए घर में जितने भी लोग हैं माता पिता हैं, बेटा बहू है पति है पत्नी है सास है बहू है भाई है भाभी है ननद भाव जो भी है ये सोचो उसमें वो अच्छाई है उसमें वो अच्छाई है उसमें वो अच्छाई है उसमें ये ऐसा सद्गुण उसमें ऐसा सद्गुण है रोज सोचे जाए सुबह उठ करके ही छः महीने के बाद आपको लगेगा कि मेरे घर के लोग कितने अच्छे हैं आपको लगेगा कि मेरा घर घर नहीं है मेरे घर मेरा घर तो मंदिर है यहां तो देवता निवास करते हैं और कहीं आपने सुबह उठ करके पत्नी की बुराई पति की बुराई सास की बहू की बुराई माता पिता की बुराई बेटा बहू की बुराई भाई की भाभी की बुराई सोचना शुरू किया ये गलती ये गलती वो गलती छ महीने के बाद लगेगा मेरे घर में तो शैतान रहते हैं नरक फिर लगेगा इस घर को छोड़ करके कब बाहर चला जाऊं घर वही है लोग वही है दृष्टि बदल गई तो परिवार नरक लगेगा दृष्टि बदल गई तो परिवार स्वर्ग लगेगा परिवार के लोग देवी देवता लगेंगे ये बाहर के जो देवी देवता है उनकी पूजा उपासना करना सरल है कुछ लगेगा नहीं घर के लोगों को देवी देवता मानकर उसके साथ भक्ति और प्रेम सेवा का व्यवहार करना यह तो कठिन है इसी के तो कमी है दुनिया भर में सर्वत्र कहां से सुखी जीवन जियोगे तो साहब कहते हैं मगन रहना चाहते हो तो किसी की बुराई की किसी की गलती की नकल मत करना वो गलत कह रहा है कहने दो करने दो अपना ना गलत कहो ना गलत देखो और ना गलत करो एक एक गलती छोड़ते 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 सारी गलतियां छूट जाएगी और गलतियां नहीं रह गई जीवन में तो आनंद आनंद हो जाएगा आपने मूर्ति देखी है मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है कोई भी मंदिर हो किसी की मूर्ति हो क्या वो मूर्ति शुरू से मूर्ति थी पहले वो मूर्ति मूर्ति नहीं थी पत्थर था पत्थर खदान में जमीन के नीचे वो पत्थर दबा हुआ था चाहे संगमरमर का पत्थर हो चाहे ऐसे कोई पत्थर हो किसी मजदूर ने मेहनत करके उस पत्थर को खदान के बाहर निकाला और फिर पत्थर पड़ा रहा उसके पश्चात कोई कलाकार मूर्ति बनाने वाला कलाकार मूर्तिकार पत्थर को देखा और देखने के पश्चात छेने और हथौड़ी के माध्यम से उस पत्थर को ठोकना गढ़ना शुरू किया धीरे 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 ठोकर मारता गया मारता गया गढ़ता छिलता संवारता गया फिर हुआ क्या एक दिन उसी पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई अब वो पत्थर पत्थर नहीं रह गया मूर्ति बन गया अब मूर्ति ही नहीं रहा वो पत्थर किसी मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा हुई और पत्थर भगवान बन गया जिसे आप भगवान मानकर पूज रहे हो आज एक दिन पत्थर था भगवान कैसे बना गरते झूलते संवारते इसी प्रकार अपने जीवन के जो बुराइयां हैं गलतियां हैं दोस्त दुर्गुण हैं उन्हें गढ़ छील करके समार निकालते जा निकालते जा निकालते जाए ये सत्संग क्यों है अपने जीवन की जो बुराइयां हैं उसको गढ़ छील करके बाहर निकालने के लिए थोड़ा 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 करते करते अपने एक एक गलती को एक एक दोस्त को एक एक दुर्गुण को एक एक आदत को छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं। और जिस दिन सारी गलतियां छूट जाएगी सारी बुराइयां छूट जाएगी सारे दो दुर्गुण त्याग हो जाएगा भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा हर आदमी के भीतर भगवान बैठा है हर आदमी के भीतर मेरे भीतर आपके भीतर देवियों के भीतर यहां भगवान तो तो प्राणियों के भीतर है लेकिन उनके भीतर उद्घाटन नहीं हो सकता उद्घाटन मनुष्य जीवन में है मनुष्य शरीर में ही हो सकता है लेकिन हमारे भीतर का जो भगवान है हर आदमी के भीतर का जो भगवान है वह दबा हुआ है छिपा हुआ ढका हुआ है हमारी गलतियों से हमारे दोषों से हमारे दुर्गुणों से और हमें ही उसे प्रकट करना होगा संत महात्मा गुरुजन हमें केवल ठोकर मारते हैं राय देते हैं मेहनत हमें करना होगा और जितने दूसरे की गलतियों की याद करते रहेंगे दूसरे की गलतियों को देखते रहेंगे उतना भीतर का भगवान दबता चला जाएगा और जब भगवान ही दब गया भीतर का तो आनंद कहां से आएगा सुख से जिएंगे कैसे इसलिए साहब पहली बात कहते हैं किसी की बुराई की किसी की गलती की नकल मत करना अच्छाई की नकल करना अच्छा देखो अच्छा बोलो अच्छा करो अच्छा सोचो अपने आप अच्छा बन जाएंगे आप कहीं कोई जाने आ आवश्यकता नहीं होगी दूसरी बात साहब कहते हैं पहली बात तो कहा कि किसी की लेना मत अर्थात किसी की बुराई को किसी के दोस्त को अपने जीवन में मत लेना उनकी याद मत करते रहना उसकी चर्चा मत करते रहना दूसरी बात साहब कहते हैं कुछ देना मत क्या ना दें जीवन तो में तो देना तो पड़ेगा लेकिन क्या देना है शुभ दें अच्छी चीजें दें और प्रेम से दें देने की आदत बनाए वो भी शुभ चीज जब वो चीज लौट करके मिले तो मन में कष्ट ना हो आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया अंधा है लूला है लंगड़ा है अपाहिज है भाग्य का मारा है और आपकी जीवन में आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया तो कभी भी उस भिखारी का अपमान मत करना किंतु जो बन सके उस उसकी सेवा कर दो देकर विदा कर दो नहीं दे सकते हो तो कह दो तो भैया यहां से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं अगला दरवाजा देखो अरे आगे बढ़ जाओ प्रेम से कहो ना भिखारी को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है अब आप जानते हो भिखारी कभी गुस्सा नहीं कर रहा गुस्सा कर रहे भिखम गए भिख मांगे नहीं पाएगा वो तो है भिखारी आवाज देता है बाहर से लोग निकलते हैं और भिखारी को पता नहीं क्या को उल्टा सीधा कह देते हैं अब भिखारी क्या कहते हैं भगवान भंडार भला रहे बाल बच्चे तो भिखारी आशीर्वाद देता है और घर वाले लोग गाली देते हैं कौन अच्छा हुआ सभ्य कौन है आप पढ़े लिखे हो भिखारी को गाली दे रहे हो भिखारी अनपढ़ है भिखारी आपको आशीर्वाद दे रहा है सभ्य कौन है जरा सोचना एक बार जानते हो आपके दरवाजे पर जो भिखारी आता है वो भीख मांगने तो आता ही आता है आपको सीख देने के लिए आता है आप कहेंगे साहब इसमें कौन से सीख देता है भिखारी भिखारी सीख देता है समझ पाए तब ना भिखारी कहता है भैया जैसे आपका घर द्वार है जबान से नहीं कहता उसका जीवन कह रहा है कि भैया जैसे आपका घर द्वार है आपके पास धन दौलत है पहले जन्म में मेरे पास भी ऐसा था लेकिन मुझे धन का या घर द्वार का अहंकार हो गया मेरे दरवाजे पर भी लोग भीख मांगने आते थे लेकिन मैंने किसी को कुछ दिया नहीं सबका अपमान किया अनादर किया जब दिया ही नहीं तो मिला कहा आज मैं भिखारी बन गया मेरे जैसे भिखारी नहीं बनाना चाहते हो तो कुछ देना सीखो ये सीख देने के लिए आता है भिखारी और यदि आप भिखारी का अपमान करते हो तो अगले जन्म में भिखारी होने की तैयारी कर लिए रहना भी से बात बहुत सामान्य सावा, है तो देना शुरू करो नहीं मैंने कहा ना नहीं देन दे सकते हो तो प्रेम से कह दो एक सज्जन बड़े उदार थे कोई कुछ मांगता तो जो पात्र होता उठाकर दे देता भाई प्रसिद्ध थे एक बार सज्जन कहीं जा रहे थे रास्ते में एक भिखारी मिल गया भिखारी ने कहा बाबूजी, बड़ी भूख लगी है कुछ पैसे हो तो दे देता कहीं से कुछ के खा लेता उस सज्जन ने कोट की जेब में हाथ डाला पेंट के डेब में कुर्ता के जेब में हाथ डाला पर्स दिखा देखा उस संयोग ऐसा था कि उस दिन उसके पास कुछ नहीं था पैसा संकोच में पड़ गए और भिखारी के दोनों हाथों को पकड़कर उस सज्जन ने कहा भैया माफ करना मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा हूं उनकी बातों सुनकर भिखारी ने कहा बाबूजी, आज आपने मुझे जो दिया है आज तक किसी ने नहीं, नहीं दिया मैं तो भिखारी हूँ द्वार द्वार भीख मांगने जाता हूँ जहाँ गया जहाँ गया दुत्कार मिली फटकार मिली गाली मिली अपमान मिला लेकिन आपने मुझे अपना जो प्यार दिया ये प्यार पाकर के मेरा हृदय गदगद हो गया क्या उस सज्जन ने क्या दिया था उसको कुछ नहीं दिया केवल मीठी वाणी दिया प्रेम दिया इसलिए किसी का अपमान अनादर ना करें किसी का तिरस्कार ना करें किसी को दुत्कारें फटकारें ना किंतु भिखारी ही आया है जो बन सके दे दो और नहीं दे सकते तो प्यार से बता दो भैया नहीं मिलेगा और इतना याद रखें जो देंगे ना वो लौट करके मिलेगा किसी न किसी रूप रूप में लौट करके मिलेगा पहले आप अपने खेत में बीज डालते हो खाद डालते हो दवाई डालते हो पानी डालते हो तब फसल मिलती है आप सोचो पहले खेत में फसल हो जाए तब हम तब हम बीज डालेंगे कभी संभव है हम जो कुछ भी कर रहे हैं बीज डाल रहे हैं बीज बो रहे हैं उसी की फसल तो आएगी अच्छी चीज़ दो कहते हैं एक सेठ उसके दरवाजे पर जो कोई आता तो सेठ भिखारियों को खाने के लिए बासी रोटी देता ताजा रोटी ताजा रोटी या ताज़ा भोजन नहीं देता बच जाता था सुबह का शाम को या शाम को सुबह का उसी भिखारियों को देता और कभी और कभी कभी फटे पुराने कपड़े दे देता उसका बेटा बड़ा हुआ शादी हुई बहू घर में आई बहु संतकारी थी अब नई नई बहू फिर कहे क्या लेकिन देखती थी बहू कि ससुर जी भिखारियों को बासी भोजन खिलाते ठंडा भोजन खिलाते और देते भी हैं कपड़े देते भी हैं तो फटे पुराने कभी नए कपड़े देते नहीं हैं साल दो साल बीता तो एक दिन भोजन का समय जब हुआ तो बहू ने ससुर को वो बासी भोजन दे दिया ठंडा भोजन सेठ ने देखा खाने बैठा तो उठाया भोजन एकदम ठंडा रात का बचा हुआ भोजन बहुत गुस्सा किया और बहू बुलाकर कहा बहू ये जितना घर द्वार धन दौलत है सब मेरा कमाया हुआ है तुम तो अभी आई हो और मेरे घर में मेरे कमाए हुए धन में मुझे ठंडा भोजन खिला रही हो क्या ताज़ा भोजन नहीं बना है क्या बाबू जी ताज़ा भोजन तो बना है तो बासी भोजन कहते हैं बाबू जी मैं चाहती हूं कि अभी तो आप थोड़ा अभ्यास कर ले रहे के कहे का अभ्यास बाबू जी आप भिखारियों को बासी भोजन ठंडा भोजन देते हैं अगले जन्म में यही मिलेगा अभी अभ्यास कर ले रही ना थोड़ा थोड़ा अगला ताकि में इट्टे न होने पाए एक कहानी का हो सकता है तो जो देंगे कर मिलेगा यहां साहब कहते हैं कुछ देना मत अर्थात जान बुझ करके तन मन बचन से किसी को दुख मत देना दुख दोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा और दुख कौन देता है दुखी आदमी ही दूसरों को दुख देता है आपके पास जमीन ना हो तो आप किसी को जमीन का दान कर सकते हो आप पास पैसे ना हो तो आप किसी को पैसे का दान कर सकते हो आप विद्या ना पढ़े हो तो आप किसी को विद्या का दान कर सकते हो जमीन का दान तभी करोगे जब आप पास जमीन होगी पैसे का दान तभी करोगे जब आप पास पैसे होंगे और विद्या का दान तभी करोगे जब आप पास विद्या होगी इसी प्रकार दुख तभी दोगे जब आपके पास दुख होगा और जितना दुख दुख दोगे उतना आपका दुख बढ़ता चला जाएगा किसी को दुख देकर आप सुख से जी नहीं सकते हो कभी कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए बोया पेड़ बबूल का आम कहां से बड़ी सरल बात है कि मैं बहुत गूढ़ बात नहीं बता रहा हूं एकदम आत्मा परमात्मा की और अध्यात्म की बात जीवन की बात सरल बात बबूल का पेड़ लगाकर आम खाने की आशा करना अपने को धोखा देना है बबूल का पेड़ लगाया अब गर्मी के दिन बबूल के पेड़ में बबूल की फलियां आई वो फलियां पकी बीज निकले अपने बीज इकट्ठा किए और बढ़िया जमीन को खोद खाद कर मुलायम बनाकर खादड़ी डालकर बबूल के बीज बो दिए उसके पश्चात उस बबूल के बीज को आप रोज गंगा जल से सींचते हो और वहां बैठ करके रोज पूजा करते हो पाठ करते हो भजन करते हो कीर्तन करते हो मंत्रों का जाप करते हो सब बढ़िया करते हो क्यों करते हो कि मैंने भले बबुल का बीज बो दिया है इसे मैं गंगा जल से सींच रहा हूं पहला पाठ पूजा कर अब बबुल के बबुल में कांटे नहीं आएंगे संभव है कि नहीं है कभी संभव नहीं है उसका स्वभाव है बबूल के बीज को आप चाहे गंगा जल से सींचो चाहे अमृत से सींचो उसमें तो कांटे आना ही आना है चाहे पूजा करो तो पाठ करो तो इसी प्रकार किसी को दुख देकर के किसी को तकलीफ देकर के किसी के आंखों में आंसू ला कर के चाहे आप रोज गंगा नहाओ आपको आंखों से आंसू लगा करके रोना ही पड़ेगा किसी को तकलीफ दे किसी को दुख देकर अब रोज मंदिर आकर पूजा करो आपका दुख खत्म होने वाला नहीं कोई खत्म नहीं कर पाएगा आपको दुख मिलना ही मिलना है और किसी को दुख मत दो सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो किंतु उसके दुखों को हटाने का दुखों को घटाने का मिटाने का, का काम करो लोगों को सुखी बनाने का, का काम करो आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं किसी पूजा करने का आवश्यकता क्योंकि असली पूजा आप कर रहे हो किसी दुखी आदमी के दुख को दूर करने का काम किसी रोते हुए आदमी को हंसाने का काम इससे बड़ी भगवान पूजा और क्या होगी और किसी हंसते हुए आदमी को रुला देना किसी सुखी आदमी दुखी कर देना इससे बड़ा पाप और क्या होगा इस सोचने की बात जीवन तो जी रहे हैं हर आदमी अपने अपने ढंग से जीवन जी रहा है और जीवन जीते हैं तो बहुत कुछ करना होता है बहुत कुछ व्यवहार करना होता है याद रखना जीवन तो जी रहे हैं कैसे जीवन जी रहे हैं जीने का ढंग कैसा है आपका यदि आपके कारण से किसी की आंखों में आंसू आ गए या आंसू आ रहे हैं तो समझना आप अपने लिए पाप के बीज बोए दुख के बीज रहे हो आपको रोना ही पड़ेगा इसलिए इतनी सावधानी से जीवन जीने हैं इतनी सावधानी से काम करना है लोगों से व्यवहार करना है कि आपके कारण किसी की आंखों में आंसू ना आने पाए दूसरी तरफ जीवन को इतना इतने अच्छे ढंग से जियो कि आपके लिए आंसू आ जाए बात समझना है आपके कारण से आंसू आया तो जीवन बर्बाद हुआ और आपके लिए आंसू आया तो जीवन सार्थक हो गया आपके लिए आंसू कब आएगा जब आप अच्छे कर्म करोगे सेवा करोगे सहायता करोगे भलाई का काम करोगे कुछ करोगे तब इतना जीवन छत पवित्रतापूर्वक जियोगे तो आपकी याद करके लोग रोएंगे आपके लिए रोएंगे आपके लिए रो रहे हैं तो जीवन सार्थक और आपके कारण से रो रहे हैं तब तो जीवन बर्बाद हो गया फिर कोई पूजा करो पूजा काम नहीं आने वाली है अब पूजा करते हो अच्छी बात जिसकी पूजा करते हो हाँ हो आप करो लेकिन पूजा का मतलब क्या है पूजा का मतलब किसी की आंखों में आंसू लाना नहीं है किंतु तो किसी की आंखों से के आंसू को पोंछना है और यही काम तो नहीं हो रहा है तो कबीर साहब कहते हैं मगर रहना चाहते हो तो किसी को जानबूझ करके दुख मत देना दुख देकर के आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है दुख देंगे तो दुख मिलेगा मिलेगा और ऐसा मिलेगा हमें मिलेगा अपनी कमाई आपको ना माई ना बाप को बाहर के जो धन है बाहर की जो कमाई है उसे तो परिवार वाले बांट लेंगे संगी साथी बांटने पता नहीं कौन कौन बांट लेगा अनेक दावेदार और अनेक हकदार निकल आएंगे लेकिन कर्मों की जो कमाई है उसको बांटने वाला उसके कोई हकदार उसके कोई दावेदार नहीं होगा अकेले भोगना पड़ेगा उस समय क्या करेंगे धर्म का काम यही है धर्म कहीं आकाश पताल में नहीं है धर्म किसी मठ मंदिर में नहीं है धर्म जीवन के आचरण में है धर्म जीवन के व्यवहार में है वो है सदाचार सेवा दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास इतना धर्म है इसलिए कहा यह भी कहा गया है श्रुताम धर्म सर्वसंस्तुता से बाधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानी परेशान ना सभी धर्मों के सार को सुनो और सुन करके धारण करो जो अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ न करें अब सोचे अपने लिए क्या नहीं चाहते दुख नहीं चाहते निंदा नहीं चाहते अपमान नहीं चाहते घाटा नहीं चाहते तो करना बंद कर दो किंतु दूसरों के साथ वही करें जो आप अपने लिए चाहते हो प्रेम चाहते हो सेवा चाहते हो आदर चाहते हो सुख चाहते हो बस ये करना शुरू कर दो यही तो धर्म है बाकी जो तो धर्म की बात सुनते हैं ना सब ऊपर ऊपर का धर्म है इसलिए मैंने कहा कि धर्म अकाशपताल में नहीं है धर्म मठ मंदिर में नहीं धर्म पूजा पाठ में नहीं है धर्म तीर्थ यात्रा में नहीं है धर्म जीवन में है जीवन के व्यवहार में जीवन के कर्म में है और जो सच्चा धार्मिक होगा वो धर्म को समझता होगा और जानबूझ करके कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा किसी को दुख नहीं देगा तो यहाँ साहब कहते हैं कुछ कुछ लेना ना देना मगन रहना मगर रहना चाहते हो तो किसी की बुराई किसी के दोषों की नकल मत करना वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो हम भी ऐसा काम कर लें वो कर रहा है वो जाने उसके ऐसा गलत काम करके हम ऐसा गलत काम क्यों एक आदमी कुआं कूद रहा है तो हम भी क्यों कुदें एक आदमी आग छू रहा है तो हम भी उसको देख करके आग क्यों छुएं छूएंगे तो जा, वो जल जैसे वो वैसे हम जलेंगे इसलिए किसी की बुराई की नकल नहीं करना है और जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं देना है इतना कर लोगे तो उत्तरोत्तर जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा फिर और जो बातें जानने लायक है वो सब बातें समझने में आ जाएगी दूसरी पंक्ति में साहब कहते हैं पांच तत्व का बना पिंजरा तामे बोले मेरी मैना मिट्टी पानी आग हवा आकाश पांच तत्व कहे जाते हैं इनसे ये, ये शरीर भी जो पिंजड़ा है ये बना हुआ सबका शरीर धनी गरीब स्त्री पुरुष सबका शरीर इन्द तत्वों से बना है लेकिन ये शरीर सब कुछ नहीं है ये शरीर सच नहीं है आज तो है सच ज, लेकिन जन्म के पहले शरीर कहां था और मृत्यु के बाद शरीर कहां रहेगा आज से नब्बे साल सौ साल पहले यहाँ जितने बैठे हुए लगे हैं लोग हैं उनमें से किसी के शरीर नहीं था और आज के बाद आज से सौ साल बाद यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें किसी के शरीर नहीं है सौ साल भी बहुत बहुतों शरीर तो दस पाँच दस साल में चले जाएंगे शरीर आज जरूर है लेकिन न पहले था न पहले रहेगा लेकिन इसमें रहने वाला जो जीव है इसमें रहने वाले जो आत्मा है इस शरीर के जन्म के पहले वो जीव था और इस शरीर की मौत के बाद भी वो रहेगा और उसी के कारण से शरीर जीवित है क्या उसका भी ज्ञान करते हैं जब लग बोला तब लग ढोला तौलो धन व्यवहार ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार जबलग बोला तब लग जब लग ढोला तब लग बोला जब तक शरीर रूपी ढोलक है और इसमें बोलता चेतन जीव है तब तक तौलो धन व्यवहार तब तक सारा धन है सारा व्यवहार है शरीर रूपी ढोलक फूटा जीव निकला फिर इस शरीर से कोई प्यार करने वाला नहीं है जिस शरीर को प्री मान करके इस शरीर जीवित है जिस शरीर को प्री मान करके हम अपनी छाती से लगा करके प्यार करते हैं चिपका कर रखना चाहते हैं एक दिन वह आएगा कि उसी शरीर को जब छुएंगे ना तो फिर छूने के बाद नहाना पड़ेगा अब शमसार में जाते हो किसी शरीर छूटने पर आकर नहाते क्यों हो कौन सी कमी हो गई आपको घर से नहाकर तो गए थे इतना अशुद्ध हो जाता है जिन्होंने दफनाया तो वो तो नहाते हैं बस यात्रा में गए वो सब भी आकर के नहाते हैं इतना शुद्ध हो गया शरीर किसके कारण से बस एक चीज की कमी रह गई उसके कारण से तो क्या उस चीज का ज्ञान है या नहीं है सबको जानते सबको जानते हैं अपने का ज्ञान है अपने का पता है शरीर की व्यवस्था करें लेकिन क्यों शरीर की व्यवस्था इसलिए कर, करना होगा कि शरीर की व्यवस्था करके शरीर को स्वस्थ रख करके सेवा साधना करके इस अपने जीव का आत्मा का कल्याण करने के लिए और वही काम नहीं हुआ तो सारा काम निरर्थक हो जाता है और ये काम हर आदमी को अपने को करना होगा शरीर को भले शरीर छूटेगा शरीर मरेगा यह आप जानते हैं लेकिन जब तक है तब तक तो इसकी तो रक्षा तो, 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 तो करनी पड़ेगी सावधानी पूर्वक इससे भोजन भी देना पड़ेगा नहलाना पड़ेगा दवाई भी करना पड़ेगा लेकिन इतना याद रखें कि कितनी सुरक्षा कितनी सुरक्षा कर लो एक दिन शरीर को मिट्टी में मिलना ही मिलना है चाहे कुछ भी उपाय कर लो कमजोरी है सेवा नहीं हो पा रही काम नहीं हो रहा है दवाई करो ये खाओ वो खाओ वो खाओ सब खाओ लेकिन आप सोचेंगे कि अमुक अमुक चीज़ खा करके हम शरीर को जवान बनाए रखेंगे और अमर बना लेंगे ये नहीं होने वाला है किसी का भी शरीर अमर न हुआ है न होगा लोग कहते हैं अमुक अमर है अमुक अमर है अमुक अमर है या शरीर से कोई अमर नहीं है और आत्मा सबकी अमर है नाम चाहे जिसका ले लो शरीर धारण लेकर के जन्म लेकर के जो भी आया सब दुनिया से चला गया लेकिन आत्मा वो तो अमर है ही, ही। साहब ने कहा है जो उगे सो आथवे फूले सो कुमिलाए, दो चूने सो ढ़ई परे जन्मे सो मर जाए सूरज उगता है अस्त होने के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सूरज उगा हो और सदैव उगा ही रह गया हो उगता है अस्त होता है फूल खिलते हैं सुबह सुबह फूल खिले कितना सुंदर एकदम महक रहा है फूल शाम होते होते फूल मुरझा गए और दूसरे दिन सुबह झड़ करके नष्ट हो गए मकान बनाते हैं मकान बनकर तैयार हुआ चमक रहा है लेकिन पुराना होना शुरू हो गया एक दिन वो मकान खंडहर बन जाएगा और जिसका जन्म हुआ है साहब कहते उसकी मौत हो जाएगी यही बात वाल्मीकि रामायण में कही दूसरे ढंग से सर्वे छयांता नीचे पतनांता समुच्छ्रया संयोग अभिप्रयोगांतम मरणांतम ही जीवितम जितने भी संग्रह हैं सबका अंत विनाश है जितनी उन्नतियाँ हैं सब का अंत पतन है मिलन का अंत वियोग है अभी देखो है, हम लोग यहाँ इतने तो लोग बैठे हुए हैं बस दस पंद्रह मिनट में या तो यहाँ बच्चे खेलेंगे या कुत्ते आकर के मस्ती करेंगे ये संयोग खत्म आधी रात को आओगे तब सामने का दरवाजा बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा सब लोग सोते रहें सुनसान हो जाएगा कब तक रहेगा ये इस चीज को देखें अंतिम में क्या होगा और अंतिम में साथ में क्या जाएगा इस चीज को देखें अंतिम में होने वाली जो दशा है अंतिम में आने वाला जो परिणाम है यदि उसको देख लेंगे उसकी याद करेंगे तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं होगा सोचें कि अंत में साथ क्या जाएगा जिसके लिए पाप कर रहे हैं जिस धन के लिए पाप कर रहे हैं जिस मकान के लिए पाप कर रहे हैं जिस जमीन के लिए पाप कर रहे हैं जिस परिवार के लिए पाप कर रहे हैं जिस पद प्रतिष्ठा के लिए पाप कर रहे हैं जिस गुरुवाई गद्दी महंती के लिए पाप कर रहे हैं उनमें से साथ कौन जाएगा अंतिम में क्या होगा अंतिम में सब का सब यही छूट जाने वाला है लेकिन जिसके लिए हमने पाप किया वो पाप के संस्कार तो नहीं नहीं छूटेंगे ना इसलिए अंतिम में होने वाला परिणाम उसको याद करेंगे तो पाप नहीं होगा अंतिम में तो ये जीव सब कुछ को छोड़ करके अकेला चला जाएगा शरीर भी यहीं रह जाएगा घर द्वार ही रह जाएंगे है लेकिन जीव उड़ जाएगा क्या साथ में जाएगा इसलिए उसको भी याद करें और सबको छोड़ने वाला जो जीव है जो सब छोड़कर जा रहा है उसको भी याद करें मौत की याद होगी तो पाप नहीं होगा आत्मा की याद होगी तो चिंता नहीं होगी भय नहीं होगा किसका भय शरीर मरेगा ना आत्मा तो नहीं मरेगी तो जब तक शरीर है तब तक इसकी व्यवस्था करो लेकिन मौत से डरने की आवश्यकता नहीं हो तो आएगी डरो तो आएगी नहीं डरोगे तो आएगी कौन बचा भले मौत से हाथ करके इसलिए जब तक जीना है निर्भय हो के जियो निर्भय होकर जीने वाला आदमी सुख से जीता है भयभीत आदमी तो पता नहीं दिन भर में निर्भय आदमी जिंदगी में एक बार मरता है और भयभीत आदमी तो पता नहीं हजारों बार बार रोज रोज मरता है वो एक ही बार मरो क्योंकि जिंदगी में मौत केवल एक बार आती है किसी के जीवन में मौत दो चार बार तो नहीं आती कोई आदमी जीवन में दो चार बार तो नहीं मरता एक बार ही तो शरीर मरता है अब वो घटना कब घटेगी पता नहीं है भयभीत होकर के चिंता में परेशान होकर के रोज रोज क्यों मर रहे हो धर्म का काम है भक्ति पूजा का काम है ये रोज रोज के मरने को खत्म कर देना जो आदमी एकदम भयभीत है चिंतित है ना वो धर्म को समझता है न भक्ति को समझता है न किसी भगवान को समझता है किसी भगवान पर विश्वास होगा धर्म पर विश्वास होगा तो आदमी मौत से डरेगा नहीं फिर तो वो जो काम करेगा अच्छा ही काम करेगा बात मैं कह रहा था पांच तत्व से बने पिंजड़ा तामे बोले मेरी मैना साहब कहते हैं मिट्टी पानी हवा काश ये पांच तत्व हैं इनसे शरीर भी पिंजड़ा बना हुआ है इसके भीतर में एक जीव रूपी मैना निवास कर रही है उसको जानो उस जीव के कल्याण के लिए काम करो उसी के लिए मानव जीवन मिला है पशु ये काम नहीं कर सकते आदमी काम कर सकता है कामधाम करो अपना जीवन का निर्वाह करो परिवार वालों का भरण पोषण करो समाज की सेवा करो शुभ मार्ग में चलो और ज्ञान भक्ति धर्म के रास्ते में चल करके आत्मा का कल्याण करें इसी में जीवन की सारसकता है अन्यथा सुबह से शाम तक जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं समय आने पर जानवर ही बच्चे पैदा कर लेते हैं और पाल पोस लेते हैं आदमी भी दिन भर दिन रात दौड़ करके अपना पेट भरा बच्चे पैदा किया पाल पोस लिया और मर गया तो जानवर आदमी में अंतर क्या हुआ फिर पेट भरना मजबूरी है और पेट भरना है तो काम करना मजबूरी है क्योंकि बिना पेट भरे खाए जिएंगे नहीं संयम से नहीं रह सकते शादी विवाह करते हैं बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की सेवा करना पालना पोसना लिखाना पढ़ाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है देखो काम करना और भोजन करना ये मजबूरी है एक होती है मजबूरी एक होती है जिम्मेदारी और एक होती है एक होता है कह सकते हैं कर्तव्य उद्देश्य भोजन करना मजबूरी है परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करना जिम्मेदारी है और कल्याण करना ये कर्तव्य है मज मजबूरी को नहीं छोड़ सकते ज़िम्मेदारी नहीं, नहीं छोड़ सकते कर्तव्य को भी नहीं छोड़ सकते तीनों काम एक साथ करना होगा मजबूरी का काम आप कर ही रहे हैं काम करके भोजन तो कर ही रहे हैं परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं परिवार का पालन पोषण भी, भी कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे हैं लेकिन एक काम जो आत्मा कल्याण है उसके उधर से लापरवाह बने हुए हैं इसीलिए आदमी भयभीत होता है कि मौत आएगी तो क्या होगा जो अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह करता है और कल्याण का काम करता है वह आदमी मौत से डरता नहीं है क्योंकि सोचता है जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था वो काम तो मैं कर ही रहा हूँ यही काम सब करें जहाँ रहते हैं लोगों के साथ प्रेम का सेवा का व्यवहार करें जिम्मेदारी का निर्वाह करें और साथ साथ धर्म भक्ति के मार्ग में लगकर अपनी आत्मा का कल्याण करके जीवन सार्थक बनाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस समय आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ बोलिए सतगुरु देव की जय त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का या दूसरे दिन का अंतिम सत्र समापन की ओर है यहाँ से ये कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा समापन के पूर्व है। बाहर से आए हुए जो भक्त सज्जन है माता बहने हैं निकट आकर के बंदगी करना चाहे वो आकर के